भाई इस तरीके से भाई रोड पे मैगी खुले आसमान। हिंदुस्तान की आखिरी दुकान के बाद आती है स्वर्गारोहण। भाई माना पहुंच गए हैं, सबके बीच में दो अलग अलग ग्रुप बन गए अभी यहाँ पे आके। एक कहते हैं कि हम लोग यहीं खाएंगे और एक आधे कह रहे हैं कि भाई हम ऊपर जाके खाएंगे। जो रेड शर्ट वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम ऊपर जाके खाएंगे और ये पीछे वाले कह रहे हैं हम यहीं खाएंगे। तो भाई इन दोनों के बीच में हो गई, अब देखते हैं ऊपर जाके क्या मिलता है क्या नहीं। ये रास्ता है जो माना का गाँव है। ये मेन मार्केट में से जाएंगे हम लोग। ये मेन मार्केट है। बद्रीनाथ के जैसे ही कपाट बंद होंगे ये लोग भी नीचे जोशीमठ शिफ्ट हो जाएंगे जो लोग यहाँ रहते हैं। सर्दियों में यहाँ कोई भी नहीं आता। इन लोगों के दो घर, एक तो यहाँ पे है और दूसरा जोशीमठ में। तो सर्दियों में जोशीमठ में शिफ्ट हो जाते हैं लोग और गर्मियों में ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही। ये टोपी भी हैंडमेड होती है आपकी? ये कितने का है? ये वो जैसे बार बार गिर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं ना, तो इसे सबसे बाल में भी। एक पहाड़ी चाय भी तो होती है जो सिर्फ इसी एरिया में। हाँ, वो ग्रीन टी होता है। नहीं है। तो यहाँ पे एक ग्रीन टी है जो यहाँ पे ही होती है, लोकल ही होती है वो चाय। तो फिलहाल इनके पास खत्म है, आगे देखते हैं और आगे लेते हैं फिर उस चाय को। उच्छल गांव की एंट्री है, चलो यहाँ से आगे चलते हैं। आवे तो भाई ये है गणेश गुफा। वेद व्यास जी महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे ये तो हम सब जानते हैं, परंतु जो लिखा था वो भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास जी के कहने पर और उन्हें सुनकर इस महाभारत की रचना की थी। मतलब इसे लिखा था महर्षि वेद व्यास जी का पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। उनके पिता का नाम महर्षि पराशर और माता सरस्वती के पुत्र थे वो, और इसी गुफा में उन्होंने इस महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ से आप आगे चलते हैं और आगे हम जाते हैं सीधा भारत की आखिरी दुकान, वहाँ पे चाय पियेंगे और कुछ खाएंगे। तो चलो चलते हैं वहीं पर और वहीं पे मिलते हैं। कुछ इस तरीके का नजारा है भाई। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है भीमशिला और इसके पीछे से ही सरस्वती नदी आ रही है। आ कहाँ से रही है इसका कोई आइडिया नहीं है। ये सरस्वती माता का मंदिर है और यहाँ से आते हुए ये यहाँ पे ही नीचे कहीं पे विलुप्त हो जाती है। इसका आगे कोई भी वो नहीं है। बहुत कहानियाँ प्रचलित हैं, बहुत सारी वो हैं लोगों की कहने की बातें। ये है भाई हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। अब इनमें से कौन सी है वो तो पता नहीं एग्जैक्टली, बट इन्होंने 1962 में लिखा हुआ है और बहुत सारी हिंदुस्तान की अंतिम दुकान यहाँ पे खुल गई हैं। कुछ इस तरीके की हैं यहाँ पे। सो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से कौन रेडी कहाँ पे होगा। तो चलो कुछ खाते हैं, सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया। पहले मंदिर में दर्शन करें और फिर यहाँ से हम लोग सीधा माना आ गए थे वहाँ से। चलो कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई आखिरी दुकान से हम लोगों ने कर लिया चाय और पकौड़ा ऑर्डर और मैंने किया मोमोज ऑर्डर, बट अभी तक मेरे आए नहीं है और
खाते हैं फिर निकलते हैं। हिंदुस्तान की आखिरी दुकान के बाद आती है स्वर्गारोहण मार्ग। यहाँ से कहते हैं इस मार्ग से ही पांडव स्वर्ग के लिए निकले थे, और इसी रास्ते को आगे पार करते करते उनके साथ एक कुत्ता भी गया था। बहुत बड़ी कहानी है, फिर कभी एक बार किसी दिन मैं आपको सुनाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं वापस, और वापस इसी रास्ते से हमें जाना होगा। हमने नाश्ता कर लिया, चाय पकौड़े खाए, बहुत टेस्टी थे, मज़ा आ गया। हिंदुस्तान की आखिरी दुकान का भी टेस्ट ले लिया, और यहाँ से कुछ नज़ारा इस तरीके का दिखता है। भाई भाई ज़बरदस्त ठंड, ठंड ऐसी कान को सुन करने वाली हवा चल रही है भाई। ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, और एकदम मतलब ऑक्सीजन इतनी प्योरेस्ट फॉर्म में है कि मैं बता नहीं सकता। कम है बट अच्छी है। तो चलो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो ये है यहाँ की पहाड़ी चाय, ग्रीन टी से बोलते हैं। कितने रुपए का पैकेट है आंटी? 10 रुपए। एक पैकेट 10 रुपए, 5 पैकेट दे दो मेरे को। तो भाई यहाँ से मैंने 5 पैकेट खरीदे हैं इसके ग्रीन टी के। बताते हैं अच्छी है, पहाड़ों में ही मिलती है ये, यहीं पे उगती है क्या? होता कहाँ, जंगल में या कैसे? तो आप खुद लाते हैं इसको या मार्केट से आपको मिल जाती है? अच्छा, सुबह जाते हैं। ओके। तो भाई बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं कुछ चीजें। कहने को ये तंबाकू जैसा लग रहा है इन लोगों को, बट ये ग्रीन टी है भाई। इन्हें ग्रीन टी तंबाकू जैसी लग रही है, सिगरेट में भरने को कह रहे हैं। तो ऐसे भी होते हैं, सांस चढ़ गया भाई यहाँ पे चलते चलते। कभी चढ़ाई कभी उतराई, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर अंदर है। तो चलो अब गाड़ी के पास चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से, जहाँ तक पहुँच जाए। जाना वैसे चोपटा है, बट लग नहीं रहा कि चोपटा पहुँच पाएंगे, तो शायद से जोशीमठ में ही रुकना पड़ेगा। भाई यहाँ के नज़ारे देखो भाई, नीचे नदी, ऊपर पहाड़, फिर बर्फ, फिर आसमान, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। अच्छी लग रही है, और आप भी बताना कमेंट सेक्शन में निशान भाई के, यानी अनसीन ब्यूटी में, क्योंकि उनके यहाँ पे अभी लॉक खुला नहीं है। नहीं नहीं खुल गया। तो भाई सब लोगों ने टोपी शोपी कुछ ना कुछ खरीद लिया है यहाँ से। ये हिमाचली टोपी है, कुछ ऐसी लगाने पर लगती है, और ये गर्म होती है बहुत। उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ में लोग यही लगाते हैं। तो चलो एक हम लोग लेते हैं। कितने की अभी है ये? हाँ जी, एक बहुत महंगी है भाई। कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, वो एक बार देख लेंगे ऊपर। पहाड़ी टोपी तो एक ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ की गैया बहुत छोटी छोटी सी हैं, बहुत छोटी छोटी सी गाय है भाई यहाँ। ये पहाड़ों पर चढ़ती हैं, यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इनका साइज होता है। बताओगे जरा ये क्या चीज़ होती है भैया? ये चिनार जड़ी। अच्छा, डायबिटीज कंट्रोल। ओके, ये बाल छड़ी, बाल हेयर फॉल। ओके, तेज बल्ब, नेगेटिव एनर्जी। अच्छा, तो इनका मतलब कहाँ पे घर में है? अच्छा, तो ये है कितने का है? तो भाई कुछ ऐसी भी चीजें मिलती हैं तो एक ले लेते हैं। 20 वाली वो ले लेते हैं, 20 वाला। काम तो दोनों एक ही करेंगे। नेगेटिव एनर्जी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, अपने घर के गेट पे लगाया जाता है, और ये कुछ डायबिटीज़ के लिए, हेयर फॉल के लिए, और बहुत सारी हर्ब्स हैं ये जो पहाड़ में मिलती हैं, पहाड़ में पेड़ पौधे से मिल जाती हैं। ये लोग खुद जाते हैं और खुद इन्हें लेके आते हैं, इन लोगों को इसकी पहचान भी होती है। ठीक है भैया, थैंक यू। तो चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आगे आपसे। मैं उन्हें प्रॉमिस करके गया था कि मैं आऊँगा तो आपसे ज़रूर लूँगा। मैंने उनसे एक टोपी, मतलब
हिमाचली कैप और एक और ले ली, ये मैं किसी को गिफ्ट कर दूँ, फैमिली में किसी को, मेरे ब्रदर उनको दे दूँ, मुझे इन चीज़ों पर बहुत शौक है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा ऑक्सीजन की हाइट पे है तो ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, इसलिए जो प्लेन पे रहते हैं लोग उन्हें थोड़ा सांस जल्दी चढ़ जाता है। ये एग्जिट पे आ गए, थैंक्स फॉर योर काइंड विजिट ऑफ इंडियाज लास्ट विलेज। निकल चुका हूँ मैं यहाँ से, मिलते हैं गाड़ी के पास। तो भाई हम लोग फिलहाल निकल चुके हैं बद्रीनाथ से और देखते हैं अभी जोशीमठ रुकते हैं या सीधा चोपटा जाते हैं। चोपटा यहाँ से शो कर रहा है अभी मैंने मैप में लगाया 139 किलोमीटर दूर, और यहाँ से करीब 52 किलोमीटर दूर है ये तुम्हारा जोशीमठ। देखते हैं कहाँ जाते हैं, और उससे पहले आप यहाँ के नज़ारे देखो, बहुत खूबसूरत है। ये रास्ता कल रात आपको दिखा रहा था, क्योंकि हम लोग रात को लेट पहुँचे थे, ख़राब भी है और कहीं जगह से ठीक भी है, से लैंडस्लाइड की वजह से ख़राब है। मैंने आपको पहली वीडियो में इससे बताया था, अगर आपने पहली वीडियो इससे अभी नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है, तो ज़रूर जाइए और देखिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट के बिना यार कुछ नहीं होगा, आप लोग सपोर्ट करो यार, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाऊँगा। ऐसे ऐसे बीच में वाटरफॉल्स हैं, ये रोड में बीच में से ही पानी निकल रहा है रोड के। तो भाई खाने का हमें कुछ मिला नहीं, तो हमने एक गैस सिलेंडर हम लोग लेके आए थे, तो उस पर फिलहाल हम मैगी बना रहे हैं और यहीं पे मैगी खाएंगे। ऑन रोड खड़े हुए हैं, ये खड़ी हैं हम लोगों की गाड़ियाँ। भाई बंदे अभी लड़ने लगे, ठंड जबरदस्त वाली, और भाई ऐसा एडवेंचर सोचा नहीं था। तो भाई इस तरीके से भाई रोड पे मैगी खुले आसमान के नीचे, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे मैगी, और भाई मेरी कंडीशन हो रही है ये बिल्कुल पैक इस तरीके का। भाई बहुत ठंड है, और ठंड में रोड पे रहना और खाना दोनों बहुत मुश्किल है। भाई गाड़ी में ही सोना पड़ेगा आज रात को, क्योंकि यहाँ पे होटल की फैसिलिटी अभी है नहीं, क्योंकि यहाँ जो भी हैं वो बंद हो गए, और जो हैं वो बहुत महंगे, मतलब जो एक आध बंदा दे रहा है वो बहुत महंगे। एक रूम का 5000 चार्ज कर रहा है, जिसमें आपको सिर्फ एक ज़मीन पर गद्दा बिछा के दे देगा, और वो भी सिर्फ चार जनों के लिए, तो आपको दो या तीन रूम लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा कोई मैट्रेस वगैरह लगा के देगा नहीं, बिकॉज उसके पास मैट्रेस वगैरह कुछ है ही नहीं, तो लगा के क्या देगा। तो ये सीन है भाई फिलहाल का, आज रात कैसी कटती है सुबह आपको बताते हैं। तो क्या हो रहा, 11:30 टाइम हो रहा है, 11:30। तो भाई अभी देखते हैं गाड़ी में सोएंगे क्या करेंगे, मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, बट आज की रात ठंड इतनी है भाई यहाँ पे, मैंने ब्लैक वो भी पहन लिया, क्या बोलते हैं कैप के साथ आया था ब्लैक के लिए, वो तो भी पहन लिया, कैप भी पहनी हुई थी। सो ठंड बहुत ज़्यादा है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। सो इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड, जो भी होगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, गुड नाइट, बाय बाय।